हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ गाड़ी में दापोली के लिए। तो आपको दापोली जाने के लिए बस मिल जाएगी पुणे से, पर डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको पुणे आना होगा और पुणे से आप बस ले सकते हैं या फिर अपना पर्सनल व्हीकल। इसी के साथ ही साथ और बता देता हूँ कि जो रास्ता है जाने वाला वो घाट वाला रास्ता है, तो आपको पहाड़ों पर ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम रुके थोड़ा सा, एक दो फोटो लिए और फिर हम यहाँ से रवाना हुए आगे की तरफ। हम यहाँ रुके और हमने पी यहाँ पर चाय, और चाय पीने के बाद हमने फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। और दोस्तों, यहाँ पर होने वाला है सनसेट। एक्चुअली सनसेट हो चुका है और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी में मस्ती करते हुए जा रहे हैं। दापोली पहुँचते ही हम लग गए होटल की तलाश में, क्योंकि ये पीक सीजन था तो होटल मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फाइनली हमें एक होटल मिला, तो ये हमें बहुत ही बजट फ्रेंडली मिल गया था। हमें 2000 रुपये में रूम मिल गया था और हम चार लोग थे तो काफ़ी अच्छा रहा। कुछ होटल ऑनर तो ये बोल रहे थे कि आपको यहाँ पर कोई भी होटल नहीं मिलेगा, आप बाहर जाइए, सिटी में अंदर जाइए वहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर रात अपनी गुजारी और उसके बाद नीचे आए, और ये नीचे का कुछ व्यू इस तरीके से आया जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। और इसके बाद हमने किया नाश्ता, क्योंकि अभी हमें जाना था बीच, तो हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल दिए। तो मैं आया हुआ हूँ दापोली बीच, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा बीच पर घूमने का। तो देखो, यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं चप्पल लाना भूल गया, तो मैं जूते पहन कर ही आया हुआ हूँ। तो होटल के पीछे की साइड से ही जा रहे थे, तो खेतों में होके हमें जाना हुआ। थोड़ा सा 100 या 150 मीटर के दूर होगा यहाँ से, तो हम पैदल ही जाएंगे खेतों में होकर के। और ये रहे नारियल के पेड़, जो काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिल रहा था हमें। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, मैंने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया, पहली बार नारियल के पेड़ देखे, तो मुझे कितना अच्छा लगा होगा। एक कुआँ यह है, इसमें ऊपर से जाल लगा के रखा है जिससे कि पत्ते वगैरह न जाए, मतलब बड़ा बड़ा कूड़ा न जाए। इसलिए और एक कुआँ यह है, बिल्कुल साफ पानी है इसके अंदर, और इसके अंदर जो पानी था बिल्कुल साफ पानी था। तो हमें रास्ते में जाते हुए हमें मिला झूला, तो हमने सोचा थोड़ा सा झूल लें। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने थोड़ा सा झूला, झूला झूलने के बाद हम आगे बढ़े और हम पहुँच चुके हैं अभी बीच के नज़दीक। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बीच पर, और ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस जो कि मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मैंने इन्जॉय किया काफ़ी। और इस टाइप की गाड़ी जो कि घोड़ा गाड़ी है ये, और इसके अलावा बहुत तरीके के व्हीकल्स हैं यहाँ पर जिसकी आप सैर कर सकते हैं। जैसे कि एक व्हीकल ये है, ऊँट, घोड़ा, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बोटिंग भी कई तरीके की मिल जाएंगी आपको, क्योंकि उसके प्राइसिंग अलग अलग हैं। जो स्पीड बोट होती है उसकी 600 रुपये, और उसके अलावा मैंने और कोई रेट पूछे नहीं, क्योंकि मुझे बोटिंग करनी नहीं थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, और ये पानी पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि बहुत ही खारा पानी होता है। तो दोस्तों, मैं चला गया अपने कैमरे को लेकर के समुद्र के अंदर।
मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, तो मेरे दोस्त लोगों ने मना कर दिया था कि अंदर मत जाना। मुझे लगता है 4-5 बार अगर बीच पे जाऊंगा तो मैं तैरना भी सीख जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से काफ़ी तेज लहर आती है पानी की। तो दोस्तों ये था होटल के पीछे की जगह। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खंडहर जगह थी। ये बंद है क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया, तो आई थिंक इसको दोबारा से। और ये था हमारा नाश्ता जो कि हमने पोहा खाया था। और हम वापस निकल दिए दूसरे दिन क्योंकि अभी हमें जाना था। लगभग 11:30 बजे हम वहाँ से रवाना हुए पुणे के लिए। तो वही दोस्तों के साथ सेम गाड़ी में वापस आ रहे हैं। हमें कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला तो हमें लग रही थी काफ़ी भूख। और हम यहाँ बीच में रुके और यहाँ पर एक पड़ा था, ये कोई फोर्ट था, नाम तो मुझे याद नहीं। और ऐसी जगहों पर अगर गाड़ी ख़राब हो जाती तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मजबूत गाड़ी लेकर की जाए। और ये बीच में कोई नदी वगैरह थी। यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था बट कैमरे में ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। दोस्तों ये बीच में पड़ा था एक डैम, इस डैम का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन पर बता दूंगा आपको। स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा इस डैम का बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और हम यहाँ से आगे बढ़े तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया। और यहाँ पर ये बार भी था, तो हमें बार से तो कोई लेना देना था नहीं, हमें खाना खाना था। तो खाना अच्छा था, रीजनेबल प्राइस पर मिल गया था खाना, टेस्टी खाना था। नाइस। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।